बच्चे प्रकृति की कमान से निकले हुए तीर हैं। इन्हें वायुमंडल में अपना रास्ता स्वयं बनाने दो। कौतूहल से भरपूर कोमल जिज्ञासु बाल मन मुक्त होकर संसार का, अपने परिवेश का अवलोकन करना चाहता है। इस प्रकार बच्चा सीखता है, खेलते खेलते सीखता है, उठकर सीखता है, गिरकर सीखता है, यहां तक कि कदम कदम पर सीखता है। सीखने की यह प्रक्रिया जन्म से पहले मां के गर्भ से ही शुरू हो जाती है, जो लगातार चलती रहती है। घर से आंगनवाड़ी तक और आंगनवाड़ी से स्कूल तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। घर, पूर्व प्राथमिक विद्यालय या आंगनवाड़ी और प्राथमिक शाला सीखने के इन अलग अलग दायरों के बीच एक रिश्ते की अक्सर कमी महसूस होती है। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं कहीं इनके बीच की कड़ियां जुड़ नहीं पाती? इन कड़ियों को जोड़ने की शायद खास कोशिश भी नहीं की गई। अब हमारी संगीता को ही लीजिए, 8 साल की चंचल चुलबुली संगीता। पर इसे कहां फुर्सत है स्कूल जाने की? 3 साल के अपने छोटे भाई मोहन को नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना और फिर मां के काम पर चले जाने के बाद मोहन की देखभाल करना, ये सब काम संगीता के कंधों पर ही तो है। कितनी व्यस्त है संगीता की दिनचर्या। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि संगीता भी स्कूल जा सके? क्या करूं, कई दिन से सोच रही थी, घर में काम इतना है। संगीता बेटे, पानी देना है गिलास है। आलू प्याज बनाएगी? हाँ, क्या करूं। तेरी संगीता तो बड़ा काम करती है,
क्या तो बहन बेचारी सारा दिन लगी रहती क्या बड़ा काम करती क्या इसे स्कूल नहीं भेजती स्कूल स्कूल कैसे भेजूं सारा दिन काम में लगी रहती है और मैं खेत को चली जाती हूँ और मोहन अभी छोटा आएगा है इसकी देखभाल करना दादी संगीता तेरा दिन नहीं करता स्कूल जाने के लिए मन तो करता है इसका स्कूल भेजने के लिए जाने के लिए मगर क्या करूं इतनी परेशानी है मैं तो खेत का काम करती हूं और सारा दिन काम में लगी रहती है बेचारी और मोहन भी तो अभी छोटा है राधा की भी छोटी बेटी है बड़ी स्कूल जाती है छोटी आंगनवाड़ी जाती है मोहन को आंगनवाड़ी क्यों नहीं भेजती खेलेगा कूदेगा कुछ सीखेगा कुछ तो करेगा खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाएगा और ये संगीता भी स्कूल जाने लग जाएगी बात तो ठीक है पर आंगनवाड़ी पर क्या सुबह मैं आऊंगी मोहन को आंगनवाड़ी ले जाऊंगी इसे तैयार कर देना संगीता तू भी चलना संगीता की माँ तू भी आ जाना पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र आंगनवाड़ी या बालवाड़ी उन तमाम घरों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है जहां शिशु और विद्यालय जाने वाले दोनों तरह के बच्चे हैं। आंगनवाड़ी संस्थाएं न केवल लड़कियों को स्कूल भेजने में मददगार साबित होती हैं, बल्कि बच्चों के भावी विकास की जरूरतों को भी पूरा करती हैं। कितनी खुश है हमारी संगीता अब स्कूल में। उधर मोहन भी बहुत मजे में है, नई नई चीजें सीख रहा है जो आगे प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई में मददगार साबित होंगी। क्या नाम है आपका? आरती। आरती, शाबाश। पहले कौन सी आवाज आई? आपकी। आपकी। पर ये सब कुछ शायद इतना आसान नहीं है। पूर्व प्राथमिक शालाओं, आंगनवाड़ियों और प्राथमिक विद्यालयों में कितना तालमेल है आप ही बताइए। क्या आप कभी आंगनवाड़ी गई हैं? अरे भाई एक बार चल के देखिए तो सही हमारी आंगनवाड़ी को, क्या पता आपकी राय बदल जाए। तो चलिए हमारे साथ। बड़े बड़े बच्चे भी बैठे हैं, इनको तो प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए था ताकि ये और बच्चों की तरह प्राइमरी स्कूल में पढ़ना लिखना सीख सके। नहीं ये बात सही है बहन जी कि हम यहाँ लिखने पढ़ने में जो सहायक हों ऐसी छोटी छोटी गतिविधियाँ ही करवाते हैं, पढ़ने लिखने का कौशल तो ये प्राइमरी स्कूल में ही सीखेंगे। आंगनवाड़ी से जो बच्चे हमारे पाठशालाओं में आते हैं हमने देखा है इनमें ज़्यादा आत्मविश्वास होता है। असल में आंगनवाड़ी में बच्चों की अच्छी तैयारी होती है जिससे इन्हें प्राइमरी स्कूल में पढ़ने में आसानी होती है।
और ये बच्चे जब हमारे पास प्राइमरी स्कूल में आते हैं तो ये स्कूल में ही टिकते रहते हैं और ये स्कूल छोड़कर भी कम जाते हैं और जो है ड्रॉप आउट जो हमारी दर है वो कम हो जाती है। लेकिन ऐसा भी है कि ये बच्चे हमारी प्राथमिक पाठशालाओं से भागकर वापस आंगनवाड़ी आना चाहते हैं क्योंकि आंगनवाड़ी जैसी मौज मस्ती हमारे विद्यालय में तो नहीं है। हाँ, इन बच्चों को तो प्राइमरी स्कूलों में ही जाना चाहिए। हाँ, हमारे जो प्राइमरी स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि कई छोटे बच्चे ऐसे हैं जो अपने बड़े भाई बहनों के साथ आते हैं क्योंकि घर में उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता और यहाँ पर तो बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं। अरे, ये तो हम भी करवा सकते हैं। आज इतना ही बहन जी, मुझे घर घर जाकर बच्चों के माता पिता से मिलना है, आंगनवाड़ी भेजने के लिए नाम दर्ज करवाना है। अरे, आपको भी जाना है, हमने भी जाना है प्राइमरी स्कूल में बच्चों के नाम दर्ज कराने के लिए, क्यों ना हम एक साथ चले। आइए। मुझे आंगनवाड़ी में आकर बहुत ही अच्छा लगा, मैं फिर से आपके यहाँ आऊँगी आंगनवाड़ी में आपसे कुछ गतिविधियाँ सीखने। आप खेल खेल में बड़े सुंदर ढंग से बच्चों को बहुत कुछ सिखा देती है। भाई, बात तो ठीक है, बच्चे आखिर बच्चे हैं। बच्चों, ये बता रहा है, ये इमली, ये ठीक बता रहा है, ये इमली है। प्राथमिक विद्यालय भी तो आखिर छोटे बच्चों की ही संस्थाएं हैं, वहां उनसे सीधे और चुपचाप अनुशासन में बैठने की उम्मीद भला क्यों रखी जाए। अगर उन्हें भी खेलकूद और गतिविधियों द्वारा सिखाया जाए तो क्या ये बेहतर नहीं रहेगा। अगर आंगनवाड़ी के तरीकों को प्राथमिक शालाएं भी अपना लें तो कैसा रहेगा। लीजिए, बातों बातों में एक घर तक आ गए, पर यहाँ तो कुछ और ही समस्याएं हैं। आप अपनी लड़की को स्कूल क्यों नहीं भेजती? स्कूल कैसे भेज दे, मेरी लड़की अपनी छोटी बहन को संभालती है। नहीं, इसे आप आंगनवाड़ी तो भेज सकती है। आंगनवाड़ी से क्या फायदा, आंगनवाड़ी तो सिर्फ 2 घंटे के लिए होती है, स्कूल होता 5 घंटे। इतनी देर मेरी छोटी को कौन देखेगा, मैं तो दिन भर खेत पर रहती हूँ। आंगनवाड़ी एक कोने में तो स्कूल दूसरे कोने में, स्कूल में जाओगी जाएगी तो देर नहीं हो जाएगी, पास पास क्यों नहीं रखते। बात तो ये ठीक कह रही है, ये बातें हमें ग्राम शिक्षा समिति के सामने रखनी चाहिए। हाँ, तो आपने बताया, आप बताइए। अभी ये कि सब पंचायत जब इकट्ठी हुई तो बच्चों के स्कूल के बारे में, आंगनवाड़ी के बारे में चर्चा तो होनी चाहिए। आंगनवाड़ी के बारे में तो आपने ये बताया कि गांव में बच्चों के माता पिता चाहते हैं कि स्कूल और आंगनवाड़ी एक ही जगह पर हो। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल जी, एक ही जगह या फिर पास पास हो। हाँ जी, सरकार का निर्देश भी यही है कि स्कूल और आंगनवाड़ी पास पास होने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लड़कियां स्कूल आ सके और भी बच्चे चाहें वो भी स्कूल में आए। हाँ, सरकार ने एक निर्देश और भी दिया है कि उनका समय भी साथ साथ रखना चाहिए। भाई, स्कूल का टाइम और आंगनबाड़ी का टाइम एक रह जाएगा तो हमारे बच्चे जो है वे स्कूल पर टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए आंगनबाड़ी का टाइम या तो 10-15 मिनट पहले किया जाए ताकि बच्चे उसका छोड़ करके अपने स्कूल वापस टाइम पर आए। अच्छा, आंगनवाड़ी का समय स्कूल से 15 मिनट पहले होना चाहिए जिससे बच्चियां अपने बहन भाइयों को छोड़ के स्कूल पहुँचे। हम भी ये चाहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? सरकार का निर्देश भी यही है और हमें इसे लागू तो करना ही है। समय की बात करिए, आंगनवाड़ी 2 घंटे और स्कूल 5 घंटे, इसके लिए भी कुछ करिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल सही बोला है। यदि आंगनवाड़ी का समय बढ़ाएंगे तो हमारा मानदेय भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। सरकार पर सब कुछ छोड़ना क्या सही होगा? नहीं नहीं, इससे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। बिल्कुल ठीक, तो कोई ना कोई हल तो हमें ही निकालना होगा। हाँ, हमें निकालना होगा। अभी आपने कहा आंगनवाड़ी
आंगनवाड़ी स्कूल में खोल दें, जगह तो है ही नहीं। अरे बच्चे बाहर बैठते हैं, अभी तो क्लासों में चलते हैं, अपने भी ठीक करिए बातें। अरे अपने बच्चे भी बाहर बैठ रहे हैं, अभी तो सेट है नहीं, कमरे नहीं पूरे। हाँ हाँ, हम जानते हैं समस्याएं बहुत सी हैं, लेकिन हमें मिलकर कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ भाई, हम लोग क्यों ना कुछ रकम इकट्ठा करके वहीं स्कूल के पास अगर आंगनवाड़ी के लिए कुछ छायाकार जगह बना सके तो कैसा रहेगा। सुझाव तो अच्छा है, और ये हो भी सकता है, क्यों जो भी कुछ करेंगे हम वो अपने गांव के बच्चों की भलाई के लिए तो करेंगे, अपने ही बच्चों के फायदा होगा उसमें, और क्या। जो चीज करेंगे उसमें अपना बच्चे हैं, अपने भविष्य का, उनके भविष्य के बारे में ही तो सोच रहे हैं हम। तो भाइयों, ये तय रहा कि हमें ये काम जल्द से जल्द शुरू करना है, है ना। जहाँ तक बात आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं के मानदेय की है, बात तो सही उठाई गई है, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं इस बारे में, बताइए। हमें अपनी बात सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं। अपने ही तो बच्चे हैं, थोड़े समय में आंगनबाड़ी जा सकती हूँ, आपको बताना पड़ेगा कैसे करना है, क्या कराना है, हमारी भी ट्रेनिंग करा देना। बिल्कुल जी, जरूर कराएंगे। आंगनबाड़ी थोड़ी समय मैं भी जा सकती हूँ। आंगनवाड़ी वाली बहन जी के लिए हम सब मिलकर कुछ तो इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये अच्छा सुझाव है भाई, हम लोग कर सकते हैं। जगह ही नहीं है तो जगह। हम अपने स्कूल में बाल दिवस मना रहे हैं, आप लोग भी जरूर भाग लीजिए। हम आंगनवाड़ी में बाल दिवस मना रहे हैं, आप सब वहाँ जरूर पधारिए। जब बाल दिवस मना ही रहे हैं तो क्यों ना एक साथ मना ले। बिल्कुल, बाल तो एक ही गांव के हैं, अपने ही बाल हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो स्कूल और आंगनवाड़ी साथ साथ काम करेंगे, आंगनवाड़ी प्राथमिक विद्यालय के लिए सार्थक शुरुआत है। जहाँ एक ओर आंगनवाड़ी बच्चों के लिए एक सार्थक शुरुआत है, वहीं विद्यालयी व्यवस्था के लिए एक सशक्त सहायक भी।